वेलकम स्टूडेंट टू योर इंग्लिश क्लास दिस इज दार्ट टू ऑफ द चैप्टर प्रापोजिशन एंड इन दिस पार्ट हम रीड करेंगे कुछ अलग यूजिस प्रापोजिशन के ही सो फर्स्ट जो यूज़ कर रहे हैं हम प्रापोजिशन डिस्क्राइबिंग पीपल देअर क्लॉथ एक्सेक्ट्रा लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए उनके क्लॉथ को डिस्क्राइब करने के लिए तो उसमें हमारी फर्स्ट है इन In is used with पहन रखा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन यूज कर सकते हैं like के साथ है ब्राइड, ब्राइड है, दुल्हन ठीक है लेडी इन अमंड नेकलैसमैन इनमेफॉर्म क्लियर सो नेक्स्ट है अब हमारे पास जो भी हमने कुछ कैरी कर रखा है उस को बताने के लिए ठीक है विद यूज़ करते हैं विद इज़ यूज विद एवरी थिंग विच इज़ कैरी जस्ट लाइक एग्जाम्पल गिवन है हमें अ मैन विद एन अम्ब्रेला एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक अ कोली विद अ हैवी लॉड क्लियर नेक्स्ट विद का एक और यूज है विद इज़ ऑल्सो यूज विद फिजिकल फीचर्स फिजिकली आपके कैसे फीचर्स हैं ठीक है एंड पैक्यूलियरिटीज का मीनिंग है कुछ विशेष आदत कुछ विशेष स्पेशल क्वालिटी जो आपके अंदर हो उसको बताने के लिए जस्ट लाइक अ बॉय विद अ बिग नॉज जैसे इस पिक्चर में दिख रही है विग विद बिग नॉज अ चाइल्ड विद एंड अ स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस के साथ एन एनिमल विद अलार्ज इलियर ऑफ का यूज हम करते हैं इज यूज विद परमानेंट क्वालिटीज ऑफ करैक्टर एन एजिस ठीक है परमानेंट क्वालिटीज जो हों मैन ऑफ नोबल नेचर अ मैन ऑफ टेन करेक्टर और एज को बताने के लिए यंग मैन ऑफ ट्वेंटी फाइव क्लियर सो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो इन्हीं प्रेपोजिशन को यूज़ करना है आपको जो जस्ट अभी हमने की है उन्हीं प्रेपोजिशन को यूज करके आपको ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स आप मुझे अपने आंसर सेंड कर सकते हो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई यू सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रापोजिशन ऑफ टाइम टाइम से रिलेटेड हमारी जो प्रेपोजिशन यूज होगी फर्स्ट अब इसमें आया हमारा एट एट हमने पार्ट वन में भी किया था जिसमें क्या था एट जो यूज हो रहा था प्लेस के लिए ठीक है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एट प्लेस के लिए यूज हो गया तो वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा प्रपोजिशन की यही क्वालिटी है कि वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज होती है तो okay, एट जो है टाइम को शो करने के लिए कैसे यूज होगा फॉर अ सर्टेन मोमेंट और पॉइंट ऑफ टाइम एक सर्टेन सर्टेन श्योर हो फिक्स्ड uh, sure हो, हो एक तरह से जब आपको कोई फिक्स टाइम गिवन हो तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एट जस्ट लाइक हे रिचड ए एम आई शैल विजिट यू एट नून वी रिचर एट द एंड ऑफ द शो वी विल वी शैल स्टॉप वर्क एट सनसेट आई कॉन्ट हेल्प यू एट द मोमेंट क्लियर अच्छा एक और इसमें होता है कि एट जो है जब भी क्लॉक टाइम अगर आपको बताना हो तो हम क्या यूज करेंगे एट यूज करेंगे फोर एट का ही यूज है ये फोर फेस्टिवल्स विच मार्ग आ पॉइंट ऑफ द इेस्टिवल्स को बताने के लिए द बॉय बोट ट्रॉय एट दिवाली We have a holiday at Christmas. Clear? Okay. Now the next है. On का use करते हैं जो क्या show करेगा? Time को ही show करने के लिए. ठीक है अब हम next कर रहे हैं on. On का use करेंगे. For a specific day, day को show करने के लिए just like at का बताया था भी uh, clock time को भी जब भी हम clock time use

ध्यान रखनी ये चीजें आपको नेक्स्ट है ही विजिटेड ऑन सॉरी ही विजिटेड मी ऑन माई ट्वेल्थ बर्थडे क्लियर नेक्स्ट फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनी सच डे जब आपके पूरे दिन का किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में आप बता रहे हो uh, जैसे यूजली हम यूज करते हैं इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग बट अगर आप उस डे का कुछ पर्टिकुलर पार्ट part बता रहे हो तो स्पेसिफिक पार्ट बता रहे हो तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे ऑन क्लियर ही मॉर्निंग ऑफ एट दिसंबर एट ठीक है इन द मॉर्निंग हमने पर्टिकुलर कौन सी मॉर्निंग स्पेसिफिक बता दिया कि कौन सी मॉर्निंग को दिसंबर एट की मॉर्निंग को तो ऑन यूज करेंगे और अगर इन यूजली इन जनरल केस हम बताते हम इन द मॉर्निंग तो यूज तो करते एक्सीडेंट है ऑन मंडे मॉर्निंग अगर यहां होता मंडे नहीं होता तो हम यूज कर सकते थे इन इन द मॉर्निंग क्लियर बट स्पेशल मैंशन कर दे कि कौन सी मॉर्निंग को मंडे मॉर्निंग को स्पेसिफिक पार्ट बता दिया तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे ऑन नेक्स्ट है इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टाइम के, uh, के लिए प्लेस के लिए भी हमने यूज किया था तो पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए द मीटिंग टू प्लेस इन द इवनिंग जस्ट जस्ट हमने अभी रीड किया इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग उस टाइप ने uh, जब आपको पर्टिकुलर डेट मैंशन ना हो ईयर मैंशन हो ठीक है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए नेक्स्ट है आई प्ले एवरी डे इन विंटर दिस ट्रेन विल टेक यू टू नाग नागपुर इन टू आवर्स पीरियड को शो करने के लिए कि कितने टाइम तक रहेगा वो नेक्स्ट है ही विल कम बैक इन अ वीक्स टाइम एक वीक टाइम में वो आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट है अब हमारे पास बाय बाय इज़ यूज टू डिनोट द लेट लेटेस्ट टाइम बाय विच समथिंग वाज और इज टू बी डन बाय का मीनिंग अगर आप टाइम से लो तो मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी आपको कि जो भी फिक्स टाइम आपको गिवन है उससे पहले का टाइम जैसे कि अगर आपको कोई टेस्ट सबमिट कराना है ठीक है सैटरडे तक तो बाय सैटरडे अगर मैं बोलूंगी मीन्स सैटरडे से पहले पहले ठीक है द एप्लीकेशन मस्ट रीच द ऑफिस बाय फिफ्थ अक्टूबर मीन्स पांच अक्टूबर से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए वो बिफोर ठीक है बट नॉट आफ्टर बिफोर मीन्स पहले नॉट आफ्टर बाद में नहीं उस टाइम से जो जो भी मैंशन किया उससे पहले पहले ही इज श्योर टू रिटर्न बाय मंडे मंडे से पहले पहले वो आ जाएगा नेक्स्ट है फोर फोर के यूज के लिए शो अ लैप्स ऑफ टाइम ज्यूरिंग विच समथिंग टेक्स प्लेस और अ स्टेट ऑफ अफियर लास्ट कि कितने टाइम तक वो चला ठीक है ये फोर इज ऑल्सो शो पीरियड फोर वी जो है वो वो भी पीरियड को शो करता है एग्जाम्पल कर लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा वी प्लेड फॉर टू आवर्स पीरियड शो किया ठीक है नेक्स्ट देखना ही विल ही वॉज ऑन लीव फॉर अ वीक अगेन पीरियड शो हुआ कितने टाइम तक है वो आई हैव नॉट टेकन एनी थिंग फॉर टू डेज अगेन पीरियड शो हुआ दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अगेन पीरियड शो हुआ और पीरियड में उस टाइम को हम काउंट कर सकते हैं कि वो काम जो वो कितने टाइम तक हुआ नेक्स्ट है सीन्स इनका यूज़ हमने टेंसेज में भी किया है तो अगर आपने टेंसिस की वीडियो देखी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की उसमें क्लियर कर रखा है सिंस पॉइंट सिर्फ टाइम का पॉइंट शो होगा कि जो काम है वो कब शुरू हुआ स्टार्ट कब हुआ तो आई हैव नॉट विजिटेड हर सिंस फ्राइडे फ्राइडे से मैंने उससे विजिट नहीं किया है सिंस अगस्त सिंस नाइनटीन नाइन्टी टू क्लियर नेक्स्ट है ड्यूरिंग जूरिंग इज़ यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया उस जूरिंग का अगर हिंदी में हम मीनिंग ले तो होता है उस टाइम के दौरान उस पीरियड के दौरान ठीक है दैट समथिंग कंटिन्यू थ्रू आउट द होल पीरियड उस पूरे पीरियड के दौरान वो चीज़ जो है वो थ्रू आउट द पीरियड आई स्टेड विद हीम ज्यूरिंग द हॉलीडेज होलीडेज़ के दौरान उसके साथ रुकी द स्ट्रेंज मैन वर्कड ड्यूरिंग द नाइट नाइट के दौरान एंड स्लैप्ड ड्यूरिंग द डे क्लियर एट एक यूज है ड्यूरिंग का ही दैट एन इवेंट टू प्लेस और इज टू टेक प्लेस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक पीरियड ऑफ टाइम में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई चीज़ या कोई इवेंट हो गया हो चुकी है उसे शो करने के लिए जस्ट लाइक द थेफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग द नाइट थेफ्ट का मीनिंग होता है चोरी चोरी जो वो हुई रात के दौरान हुई ही विल कम टू यू ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान वो तुमसे वो आएगा क्लियर सो so, अभी जो हमने यूज किए वो थे हमारे प्रपोजिशन ऑफ टाइम के इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है जिसमें आपको प्रापोजिशन ऑफ टाइम ही यूज़ करना है टाइम वाली प्रापोजिशंस ही यूज़ करनी है सॉरी आपको जितने भी टाइम से रिलेटेड जितने भी प्रापोजिशन के वाना सुटेबल प्रापोजिशन वो आप यहाँ इस एक्सरसाइज में यूज़ करोगे एंड देन सेंड मी योर आंसर्स आप अपने आंसर्स मुझे सेंड करना आई ट्राई टू रिप्लाई एंड आई होप अगर आप वीडियो को अच्छे से फर्स्ट टाइम में नहीं हो किसी बच्चे को तो प्लीज़ वीडियो को दो बार देख लेना आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे अभी आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने लिमिटेड ही रूल्स किए हैं अदरवाइज बहुत सारे वास्ट बहुत ही वास्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन का सो so, जितने भी आपके मैक्सिमम वाइज यूज़ होने चाहिए थे हमने सिर्फ वही यूज़ किए हैं लास्ट एक्सरसाइज को एक बार तो मैं फिर से शो कर देती हूँ आपकी क्लियर और ये द फिफ्टीन सेंटेंसेस है सो आप इन सबको ट्राई करना आई होप आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे वो फर्स्ट टाइम में सारी एक्सरसाइजिज जो है वो कर लेंगे सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे